दोस्तों क्या हाल है जैसा मैंने आपको वादा किया था आपके लिए वाइंडिंग अप कर वीडियो ले आया हूं सर एक चीज बता देना चाहता हूं आप लोगों का बहुत मन कर रहा होगा कि सर वाइंडिंग अप अप छोड़ दे क्या, अप छोड़ दे दे क्या क्या वाइंडिंग मेरा एक ही रिक्वेस्ट है दोस्त इस रिविजन वीडियो में मैं आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजन पढ़ाने वाला हूं उससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाऊंगा अगर एक ऐसा प्रोविजन है जो आज तक एग्जाम में नहीं आया है मैं उसको स्किप कर दूंगा ताकि आप सिलेक्टेड स्टडी कम से कम करके जा सको ताकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए या फिर मान लो भूले भटके अगर एमसीक्यू आए तो दोस्त आप छूने लायक हो

वो आपकी कंपनी का वाइंडिंग अप करे तो आपका क्या प्रोविजन एप्लीकेबल होगा और जो पार्ट थ्री है जो मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा वो कुछ कॉमन प्रोविजन होंगे अब आते हैं दोस्त पार्ट वन क्या है पार्ट वन सर देखो ये चैप्टर शुरू होता है सेक्शन टू से जाता है थ्री तक ऐसा लगता है बहुत सारे सेक्शन है लेकिन इतने सारे सेक्शन नहीं है सर आधे से ज्यादा तो उम्मीद हो गए आधे से ज्यादा इनरेलीवेंट है पार्ट वन वाइंडिंग अप बाय द ट्रिब्यूनल ये सेक्शन 270 से शुरू होता है जो सेक्शन 270 है वो बोलता है कि भैया अगर तुमको ट्रिब्यूनल से वाइंडिंग अप करवाना है ना तो तुम्हारे लिए पार्ट वन एप्लीकेबल हो जाएगा कहते हैं प्रोविजन ऑफ पार्ट वन शेल अप्लाई टू वाइंडिंग अप बाय द अप्रब्यूनल अगर ट्राइब्यूनल वाइंडिंग अप कर रहे तो पार्ट वन एप्लीकेबल होगा टू से शुरू होता है टू मेरे साथ याद करते चलो सर एक कंपनी है मान लो बंद लिमिटेड

सेटिस्फाई होनी चाहिए या तो अफेयरेंटली कंडक्ट हो रहे हैं या फिर कंपनी फॉर्म ही हुई है फ्रॉडलेंट या अनलॉ फुल पर्पज के लिए या फिर पर्सन कैरिंग ऑन द ऑनसर्न फॉर्मेशन और मैनेजमेंट गिल्टी ऑफ फ्रॉड और मिसकंडक्ट मतलब सर या तो कंपनी फ्रॉडलेंटली काम कर रही है या फिर फ्रॉड के लिए बनी है या फिर जो लोग कंपनी चला रहे हैं ना वो फ्रॉड फ्रॉड है और सर कंपनी को बंद कर देना सही चीज होगा इट इज प्रॉपर दैट द कंपनी बी बाउंड अप और ऐसा एप्लीकेशन कौन दे रहा है या तो आरओसी दे रहा है या फिर एनी पर्सन ऑथराइज बाई द स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट नहीं लिखा है दोस्त सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा है तो दोस्त आपका कंपनी का वाइंडिंग अप हो सकता है कौन करेगा ट्रिब्यूनल करेगा उसके बाद सर बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन अगर कंपनी ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न के फाइलिंग में डिफॉल्ट कर दिया है और वो डिफॉल्ट पिछले पांच ईयर दोस्त वर्ड है पांच फाइनेंशियल ईयर अगर तीन फाइनेंशियल ईयर है नहीं चलेगा अगर चार चारिक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर है उसके पहले एक बार फाइल किया था और उसके पहले चार फाइनेंशियल ईयर है तो भी नहीं चलेगा एक साथ पांच फाइनेंशियल ईयर होने चाहिए जब फाइल नहीं किया है और सर ट्राइब्यून अगर लास्ट पॉइंट है कि अगर ट्राइब्यूनल को लगता है इट इज जस्ट एन इक्विटेबल डट द कंपनी वी वाउंड अप इन दैट केस द द्राइब्यूनल विल वाइंड अप फाइव केसेस सर स्पेशल रेजोल्यूशन एक्टेड अगेंस्ट इंटेग्रिटी और सब्यूनिटी ऑफ द स्टेट थर्ड अगर आपका फ्रॉड है और इट इज प्रॉपर दैर द कंपनी भी बाउंड अप फोर्थ अगर आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनअल रिटर्न के फाइलिंग में पांच साल कंटिन्यूअस डिफॉल्ट हुए या फिर इट इज जस्ट एंड इक्विटेबल जस्ट एंड इक्विटेबल मतलब क्या सर अगर ट्राइब्यूनल को लगता है कि हाँ ये सही है कि भैया कंपनी फाइल होनी चाहिए वाइंडिंगअप हो जाना चाहिए यह बहुत सब्जेक्टिव चीज है दोस्त तीन एग्जाम्पल बुक में दिया हुआ है कि आपका वाइंडिंग अप आप हो जाना चाहिए किस केस में पहला अगर आपके मैनेजमेंट में डेल लॉक हो गया मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपस में काम नहीं कर पा रहे दूसरा लॉस ऑफ सब स्टार्टअप मैं मतलब आपका कंपनी जिस पर्पज बना था वो कम, वो पर्पज ही अभी नहीं रहा तो ये सारी चीजें हैं सर जिसके वजह से आपकी कंपनी क्या है जस्ट एंड इक्विटेबल लगेगा तो वाइंड अप हो जाएगी ब्रॉडली पॉइंट है जस्ट एंड इक्विटेबल अब सर अगर कंपनी वाइंड अप हो रही है तो ऐसा नहीं ना कोई भी टॉम डिकेन हरी आके एप्लीकेशन दे दिया कि कंपनी बंद करो चलो चलो इट इज जस्ट एंड इक्विटेबल नहीं भैया ऐसा नहीं होता अगर कंपनी को वाइंड अप करवाना है ना तो कुछ रीजनेबल अमाउंट ऑफ लोग ही एप्लीकेशन दे सकते हैं पहला तो कंपनी खुद अब स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर रही है तो कंपनी खुद ही एप्लीकेशन देगी लेकिन अगर कंपनी तुम खुद जाके एप्लीकेशन दे रहे हो ना तो एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मतलब

वही एप्लीकेशन फाइल कर सकता है जो या तो शेयर्स जिसको ओरिजिनली अलॉट हुए थे जब कंपनी आईपीओ या एफपीओ लाई थी या फिर शेयर्स उसके पास पिछले अठारह महीने में से कम से कम छह महीने उसने शेयर्स होल्ड किए हैं या फिर शेयर्स उसके पास किसी शेयर होल्डर के डेथ के वजह से डिवॉल्व हुए हैं ये तीन कंडीशन अगर मीट करते हो तीनों में से कोई भी एक कंडीशन मीट करते हो और आप कॉन्ट्रीब्यूटरी हो तभी आप एप्लीकेशन दे देते हो दे सकते हो एंड इट डर वेदर यू आर अल्डर ऑफ फुली पेडअप शेयर वेदर द कंपनी कंपनी है Or ये तीनों चीज़ें मैटर नहीं करेगी मतलब मैंने क्या बोला सर पहला एप्लीकेशन कंपनी दे सकती है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स अटैच करना पड़ेगा दूसरा एप्लीकेशन और कौन दे सकता है कंपनी का कॉन्ट्रीब्यूटरी दे सकता है कॉन्ट्रीब्यूटरी लेकिन अगर दे रहा है ना एप्लीकेशन दोस्त तो उसको तीनों में से कोई एक कैटेगरी में फॉल करना पड़ेगा या तो उसको ओरिजिनली शेयर अलॉट हुए थे या फिर वो पिछले महीने में जब वाइंडिंग में पहले कम से कम छह महीना वो शेयर होल्ड करता था या फिर तीसरा ऑन हिम ड्यू टू डेथ ऑफ दमर होल्डर तो वो कॉन्ट्रीब्यूटरी जो है एलिजिबल है पिटीशन फाइल करने के लिए अप का अब पिटिशन फाइल कर रहे हो ना इट डजेंट मैटर वेदर यू आर होल्डर ऑफ फुल्ली पेडअप शेयर वेदर यू है वेदर दैज नो अट्स एट ऑल या फिर असेट्स है पर सरप्लस असेट नहीं है शेयर होल्डर के लिए ये सब चीजें फर्क नहीं पड़ती है सर तीसरा कौन फाइल कर सकता है रजिस्ट्रार जिसके पास आप सारे रजिस्ट्रेशन करते हो वो भी फाइल कर सकता है लेकिन सर वो एक ग्राउंड में फाइल नहीं कर सकता कि कंपनी ने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया अगर कंपनी ने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया तो सिर्फ कंपनी फाइल करेगी फोर्थ सर जो पर्सन जो पर्सन ऑथराइज बाई सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं वो भी एप्लीकेशन दे सकते हैं क्योंकि सर पर्सन ऑथोराइज बाई सेंट्रल गवर्नमेंट जनरली कब देते हैं जनरली सर अपन ने केस पढ़ा था ना जहां पर आर या फिर ये ऊपर आपको दिख रहा है फ्रॉड के केस में आरोपी या फिर पर्सन सेंट्रल गवर्नमेंट एप्लीकेशन देते हैं एंड लास्ट सर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट इन केस ऑफ सेक्शन

अपनी खुद लेकिन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर देना पड़ेगा कॉन्ट्रीब्यूट्री अगर तीनों में से कोई कंडीशन में फॉल करता है और डजें मैटर वेदर वो तीनों में से कोई भी केस है कि फुली पेड अप शेयर होल्ड करते हो असेट नहीं है सरप्लस असेट नहीं है तीसरा रजिस्ट्रार खुद भी फाइल कर सकता है रजिस्ट्रार दोस्त अगर आपको ये फास्ट लग रहा है ना तो आई एम सॉरी बट आपको मैं बार बार रिपीट करूंगा ताकि आपके दिमाग में प्रोसेस होता जाए बस बने रहो सुनते जाओ कुछ तो एग्जाम में याद आएगा भाई नसीब अच्छा रहा है एक एमसीक्यू टिक हो जाएगा क्योंकि मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट प्रोविजन पढ़ा रहा हूँ थर्ड सर रजिस्ट्रार फाइलिंग कर सकता है लेकिन स्पेशल में नहीं करेगा और स्टेट गवर्मेंट रिलेटेड टू से पावर ऑफ द ट्राइब्यूनल को पटिशन फाइल कर दिया ट्राइब्यन क्या करेगा या तो आपके पिटन को एक्सेप्ट कर लेगा या डिसमिस कर देगा या कोई इंटरम ऑर्डर पास कर देगा तो यहां पर इन्होंने यही लिखा है कि ट्राइब्यूनल जो है नब्बे दिन के अंदर जब, जब तक आपको टाइम जब आप एप्लीकेशन दोगे ना 90 डेज सर 90 डेज

कर देगा इंटरम ऑर्डर पी एन एल सर ये जो प्रोविजनल लिक्विडेटर और इंटरम ऑर्डर है ना ये आप दोनों समझ लो एक ही है कि ऑर्डर या तो डिसमिस कर देगा या इंटरेम ऑर्डर पास करेगा या वाइंडिंग अप ऑर्डर पास कर देगा सच अदर ऑर्डर अब सर सुनो अगर अगर ग्राउंड जो है अगर कोई पिटिशन फाइल कर रहा है और पिटिशन का ग्राउंड ये है कि भैया इट इज जस्ट एंड इक्विटेबल दैट द कंपनी शुड बी वाउंड अप तो सर इस केस में ट्राइब्यूनल को बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा वो ऑर्डर ऑफ वाइंडिंग अप नहीं पास करेगा अगर उसको लगता है पहला कि भैया वाइंडिंग अप के अलावा कोई और रेमेडी अवेलेबल है और सर द एप्लीकेंट इज एक्टिंग अनबल बाई फॉर वाइंडिंग अप वो वाइंडिंग अप बोल के बहुत गलत बोल रहा है वाइंडिंग अप के अलावा भी और सोल्यूशन है हम वो अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि भाई वाइंडिंग अप करना मजाक नहीं है जान निकल जाती है सारे लोगों की तो सर क्या ऑर्डर पास करेगा पावर ऑफ ट्राइब्यनल वो लिखा है सेक्शन टू सेवेंटी फोर डायरेक्शन फॉर फाइलिंग स्टेटमेंट ऑफ द अफेयर सर सुनो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन जैसे ही आप आपने सोचो आप सोचो रिलायंस के अगेंस्ट आपने यहां पर फाइल कर दिया ट्राइब्यूनल

वाइंडिंग अप का कॉस्ट निकालना पड़ेगा अगर सर कंपनी रिलायंस ने अगर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर फाइल नहीं किया ना तो उसका टू राइट टू अपोज पिटिशन स्टैंड्स फॉर मतलब अब वो पिटिशन को अपोज नहीं कर सकता एंड द डायरेक्टर्स और क्या पेनल्टी है वो देख लो कि भाई आप जेल जाओगे जो आपका नॉन कंप्लाइंस है ना उसके अगेंस्ट एक एप्लीकेशन भी जा सकता है स्पेशल कोर्ट के सामने कौन एप्लीकेशन फाइल करेगा या तो आरोपी या प्रोविजनल लिक्विडेटरी या कंपनी लिक्विडेटरी या कोई भी और पर्सन बेसिकली सर बात इतनी है कि कंपनी के पास आपको जाना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स या फिर ऑब्जेक्शन मांगने के लिए ऑब्जेक्शन और स्टेटमेंट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर तीस दिन के अंदर मांगने के लिए सेक्शन टू सेवेंटी फाइव कंपनी लिक्विडेटर के बारे में बात करता है सर थोड़ा इंपॉर्टेंट है मेरी बात सुन लो कंपनी लिक्विडेटर कौन होता है सर जैसे हमारे इंसॉल्वेंसी कोड कोड में रेजोल्यूशन प्रोफेशनल होता है ना वैसे कंपनी लिक्विडेटर होता है वो या तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल हो सकता है या फिर ऑफिशियल लिक्विडेट हो सकता है या तो कौन हो सकता है ऑफिशियल लिक्विडेटर या फिर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो कंपनी का लिक्विडेटर का काम करेगा अब सर कंपनी लिक्विडेटर जिसको आप अपॉइंट कर रहे हो उसका टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ अपॉइंटमेंट या फिर उसकी फीस कितनी होगी कितना पैसा दोगे आप क्या क्या चीजें देखोगे कि भैया जो कंपनी लिक्विडेटर अपॉइंट होने वाला है उसका क्या टास्क है और कितनी बड़ी कंपनी साइज ऑफ दी कंपनी क्या है और वो लिक्विडेटर का खुद का एक्सपीरियंस और क्वालिटी फिकेशन क्या है ये तीनों के बेसिस पे आप डिसाइड करोगे टास्क ऑफ दी कंपनी लिक्विडेटर साइज ऑफ दी कंपनी एंड लिक्विडेटर एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन ये तीनों के बेसिस पे आप डिसाइड करोगे कि कितना उसका टर्म्स एंड कंडीशन और फीस होना चाहिए अब सर जैसे ही आप कंपनी लिक्विडेटर को अपॉइंट करते हो ना सात दिन के अंदर अंदर उसको बताना पड़ेगा मेरा कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है और मैं आई डोंट इवन लैक इंडिपेंडेंस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का डिक्लेरेशन और लैक ऑफ इंडिपेंडेंस का डिक्लेरेशन देना पड़ेगा और ये थ्रू आउट होगा सर ये वन टाइम नहीं है थ्रू आउट द पीरियड होगा अब सर ट्राइब्यूनल में अपॉइंट प्रोविजनल लिक्विडेटर या कंपनी लिक्विडेटर वाइट वाइंडिंग अप ऑर्डर वो छोड़ दो जो ऊपर उसने ऑर्डर दिया था ना पहले वो प्रोविजनल लिक्विडेटर अपॉइंट कर सकता है बाद में वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास कर सकता है तो वो ऐसा कर सकता है प्रोविजनल लिक्विडेटर को ही कंपनी लिक्विडेटर बना दिया तो बात क्या है सर कंपनी लिक्विडेटर कौन हो सकता है ये लोग हो सकता है कंपनी लिक्विडेटर रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट ऑफ लिक्विडेटर भाई अगर एक जने को लिक्विडेटर बना दिया ना भले प्रोविजनल लिक्विडर या कंपनी लिक्विडेटर उसको पांच केसेस में आप निकाल सकते हो पांच केस क्या है बॉस सी एफ ए आई डी सी क्या है सर कंडक्ट मिस कंडक्ट अगर किया एफ फ्रॉड या मिसवीएस Act.

रिमूवल रिप्लेस कब करोगे सर? अगर जो बंदा है कंपनी तो को, का को, को जो नुकसान हुआ ना दोस्त, वो, नुकसान वो भरने के लिए भी ऑर्डर बोल सकता है कि भैया तुम भरो लेकिन उसके पहले रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हट देगा सर कंपनी लिक्विडेटर का पॉइंट सिर्फ इतना ही याद करना है कि भैया उसको सात दिन के अंदर अंदर हम अपॉइंट करने के सात दिन के अंदर उसको डिक्लेरेशन देना पड़ता है कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट और लैक ऑफ इंडिपेंडेंस का सर इंटीमेशन टू प्रोविजनल लिक्विडेटर एंड आरओसी एंड इफेक्ट ऑफ फाइंडिंग अप 277 जो है ना सर इसका हेडिंग सिर्फ इंटीमेशन टू तो पीएल एंड प्रोविजनल लिक्विडेटर एंड कंपनी लिक्विडेटर एंड आरओसी है लेकिन ज्यादातर ये बात करता है इफेक्ट ऑफ वाइंडिंग अप का ऑर्डर क्या होगा सर देखो जैसे ही ऑर्डर पास होता है ना कि भैया तुम्हारी कंपनी वाइंड अप होगी तब क्या होगा क्या क्या चीजें होंगी वो यहां पर लिखा है सबसे पहले जैसे ही आप ऑर्डर पास करोगे वाइंडिंग अप का या अपॉइंटमेंट का आप क्या करोगे सबसे पहले जिसको अपॉइंट किया और आरोसी को दोनों को इंटीमेट कर दोगे सात दिन के अंदर अंदर कि भैया तुम्हारा अपॉइंटमेंट हो गया इंटीमेट टू पीएल पीएलसीएल प्रोविजनल लिक्विडेटर कंपनी लिक्विडेटर एंड आरओसी विद इन सेवन डेज सर जैसे ही आपके पास ऑर्डर ना आरोप क्या करेगा एक चला गया आरोपी के पास एक चला गया कंपनी लिक्विडेटर के पास ROC क्या करेगा अपने में उसको नोट करेगा ऑफिशियल में पब्लिश करेगा और अगर लिस्टेड कंपनी है तो स्टॉक एक्सचेंज को भी देगा क्या क्या करेगा सर अपने मेक एन एंडोर्समेंट एंडोर्समेंट टू द द द इन इन रिकॉर्ड मतलब क्या नोट करेगा अपने रिकॉर्ड में ऑफिशियल गैज में नोटिफाई करेगा और अगर लिस्टेड है तो सेबी को भी भेज देगा और सर अब क्या अब जब ऑर्डर ऑफ बाइंडिंग होता है इफेक्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ बाइंड सबसे पहला इफेक्ट होता है डीम्ड नोटिस ऑफ डिस्चार्ज जितने भी ऑफिसर जितने भी इंप्लाइज जितने भी वर्कमेन है तुम्हारी

बनाएगा जिसको हम कहते हैं वाइंडिंग ऑफ कमेटी जिसे अपने आईबीसी में

अब सर देखो अगर कोई आपसे पूछे कि भैया इन लोगों का काम क्या है तो मैं इनके काम को तीन हिस्से में बांटता हूँ वाइंडिंग अप कमिटी शेल असिस्टेंट मॉनिटर इन द फॉलोइंग सर एग्जाम में आ गया था व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द वाइंडिंग अप कमिटी मैं आपको बताता हूँ वाइंडिंग अप कमिटी का काम क्या है सबसे पहले देखो सर वाइंडिंग अप कमिटी क्या करेगी असेट से रिलेटेड क्या करेगी सबसे पहले सारे असेट्स टेक ओवर कर लेगी और आप वाइंडिंग अप कर रहे हो मतलब असेट के आपको लाइबिलिटी पे ऑफ करना है तो असेट्स टेक ओवर करो उसको पे ऑफ करो और रिकवरी ऑफ कैश प्रॉपर्टी और अदर असेट आपका अगर कोई पैसा फंसा हुआ है तो उसकी रिकवरी करो उसके बाद सर दो प्रोसीजरल हो गया एग्जामिनेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर रिव्यू ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट का रिलेटेड है ना उसको या तो करो. मतलब उनको बोलो भाई सौ रुपए छोड़ना पचास रुपए में काम चला लेकिन अबैंडन कर दो या फिर सेटल कर दो एंड सर पेमेंट ऑफ डिविड एंडल बाइंडिंग कागजाम सेल करना कैश का प्रॉपर्टी का रिकवरी करना और असेट से रिलेटेड लाइबिलिटी लाइबिलिटी को सेटल सेटल फाइनलाइज करना करना और करना. और उससे के बाद सर अकाउंट से रिलेटेड क्या काम आ गया अकाउंट्स को रिव्यू कर लेना स्टेटमेंट ऑफ अफेयर को एग्जामिन कर लेना बहुत पैसे है तो डिविडेंड का जो डिविडेंड जो तुमने डिक्लेयर किया पे नहीं किया उसको पेमेंट कर देना एंड अदर फंक्शन एस मे बी डिस्क्राइब सर ये सारी चीजें किसको करनी पड़ेगी कंपनी लिक्विडेट लिक्विड कमिटी uh, है कंपनी लिक्विडेटर बाइंडिंग ऑफ कमिटी की मीटिंग को बुलाएगा हमेशा सर इंसॉल्वेंसी जैसे रेजोल्यूशन प्रोफेशनल होता है सीओसी की मीटिंग बुलाते हैं वैसे कंपनी

278 इफेक्ट ऑफ वाइंडिंग अप ऑर्डर छोड़ दो 279 सेवेंटी नाइन इंपॉर्टेंट था सर लेकिन अभी मे 21 एग्जाम में आ गया तो नॉट श्योर हाउ इंपॉर्टेंट इट इज बट बहुत बार रिपीट करने की टेंडेंसी होती है एग्जामिनर की तो सुन लो क्या लिखा है सर अगर आपका वाइंडिंग अप का ऑर्डर हो गया ना तो आपके खिलाफ कोई भी नया सूट्स या प्रोसीडिंग्स चालू नहीं होगा और जो पेंडिंग प्रोसीडिंग्स है ना वो स्टॉप हो जाएगा लेकिन अगर आपको कोई प्रोसीडिंग चालू करनी है तो आपको एनसीएलटी का अप्रूवल लेना पड़ेगा और जब आप एनसीएलटी को अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन दोगे ना तो एनसीएलटी के पास सिक्सटी डेज का टाइम है जिसमें उसको रिवर्ट करना पड़ेगा कि भाई तुम ये प्रोसीडिंग्स कर सकते कि नहीं कर सकते हो ये जो प्रोसीडिंग ये जो रेस्ट्रिक्शन है ना ये एप्लीकेबल नहीं होगा अगर आप सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट के पास अपील फाइल करने जा रहे हो मैंने क्या बोला दोस्त अगर आपका का आ गया है, कोई भी या नहीं होगा हो लेकिन प्रोसीड करना है तो यू कैन टेक लीव ऑफ दूनल अगर आप लीव लेने जा रहे हो तो आपको सिक्सटी डेज के अंदर ट्राइब्यूनल हाँ या ना बोल देगा टू एटी जोरिस्ट ऑफ द ट्राइब्यूनल को ही नहीं है। दोस्त एटी वन सबमिशन ऑफ दबमिशन बाई दिक्विडेटर दोस्त सुनो ये क्या बात हैं सिमिलर टू इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम जैसे अपने सी बैंक कोड में इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम होता था ना वैसे यहां पर एक रिपोर्ट बनेगा जिसको हम कहते हैं जो कंपनी लिक्विडेटर बनाएगा उसको सबमिट करना पड़ेगा किसको उसको सबमिट करना पड़ेगा ट्राइब्यूनल को विद इन सिक्सटी डेज ऑफ दर्डर ऑफ दाइंडिंग अपड अपंट द कंपनी लिक्विडेटर शेल फर्निशर रिपोर्ट टू द ट्राइब्यूनल कंटिनिंग द फोइंग थिंग बस सर फर्क ये इनफॉमेशन मेमोरेंडम का पर्पज अलग होता था ये जो रिपोर्ट है इसका पर्पज अलग है यहां पर रिपोर्ट का पर्पज ये है कि रिपोर्ट देख के ट्राइब्यूनल को समझे कि कंपनी की, की पोजिशन क्या है और उस हिसाब से वो टाइम लिमिट देख

आपके एग्जिस्टिंग सिक्योर्ड और अनसेक्योर्ड क्रेडिटर कितनेजेंट लाइबिलिटी कितनी है और आपने गारंटी कितना दे रखा है क्योंकि वो भी एक तरह का ही है अब आ जाते हैं सर इक्विटी पे इक्विटी से रिलेटेड आपका कैपिटल कितना है, कितना है, कितना है, कितना इशूड इशूड है 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 पेड पेड अप अप ये और क्या आपके लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरीज है इक्विटी में और डिटेल्स ऑफ अनपेड कॉल्स कितना calls अभी तक अनपेड है ताकि सर आपको क्या होगा ना यह सबसे सब ट्राइब्यूनल देखेगा भाई कितने पैसे आने वाले कितने पैसे पे करने कितना समय लगेगा ये सब में जितना ज्यादा आपका पैसा आना है ज्यादा समय लगेगा आपको अदर्स में सर आपको यह बताना पड़ेगा अभी कितने कॉन्ट्रैक्ट या फिर जॉइंट वेंचर जो सब्सिस्टिंग है क्या आपकी होल्डिंग कंपनी और सब्सिडी कंपनी का डिटेल्स हो और आपके अगेंस्ट कोई लीगल केसेस या कोई अदर चीजें हैं क्या ये तीनों आपको बताने पड़ेंगे अटेट से रिलेटेड तीन पॉइंट लाइबिलिटी इक्विटी और अदर्स सर एक बार मेरे साथ याद कर लो अट से रिलेटेड आपके सारे असेट्स कैश और नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट का डिटेल ये एनआईएस मतलब पता नहीं सर मैंने क्या सोच के लिखा वो नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए सेकंड डेट ड्यू टू दी कंपनी थर्ड ट्रेडमार्क और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लाइबिलिटी के केस में क्या है दोस्त एक्सिस्टिंग

ओपिनियन वर फॉम फ्रॉड इज कमिटेड बाई एनी पर्सन इन प्रमोशन और फॉर्मेशन आपने क्या फ्रॉड किया है वो उस पर भी आपको कंपनी लिक्विडेटर को अपना रिपोर्ट देना पड़ेगा क्योंकि देखो बॉस अगर एक कंपनी का बंद हो रहा हो और अगर उस कंपनी में फ्रॉड हुआ था ना तो कंपनी लिक्विडेटर जैसे ही अपने रिपोर्ट में लिखेगा वैसे ही इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगा उस कंपनी के अगेंस्ट ऑल्सो सर इन द रिपोर्ट ही विल हैव टू इंक्लूड टू थिंग्स वायबिलिटी ऑफ द बिजनेस एंड स्टेस नेसेसरी टू मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ दी असट ये दोनों चीजें आपको इंक्लूड करके भेजनी पड़ेगी सर अपने रिपोर्ट में अब सर कौन रिपोर्ट भेज रहा है कंपनी लिक्विडेटर ट्रिब्यूनल को रिपोर्ट भेज रहे हैं उस बेसिस पे ट्राइब्यूनल 282 में अपना डायरेक्शन देगा सर डायरेक्शन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है डायरेक्शन में में वो बताएगा कितने टाइम लिमिट वाइंडिंग अप खत्म होना चाहिए और अगर डिस्कशन के बाद सबके साथ डिस्कशन करने के बाद लगा नहीं भैया ये है, ये वाइंडिंग अप का जो टाइम लिमिट है कम है हमको बढ़ा देना चाहिए बढ़ाने से इट विल बी गुड फॉर द बिजनेस तो वो बढ़ा देगा सर टाइम लिमिट सर एक एक शब्द जो मैं बोल रहा हूँ ना वो आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि वो एग्जाम में आएगा मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा आपको सर सुनो 282 एटी टू डायरेक्शन ऑफ द वो था वो छोड़ दो 280 दोन uh, इंपॉर्टेंट था 281 में कंपनी लिक्विडेटर ने रिपोर्ट दिया अब सर 283 एटी थ्री ए कस्टडी ऑफ द कंपनी प्रॉपर्टी सर देखो अगर कंपनी का प्रॉपर्टीज जो है ना वो सारा विल बी डीम्ड टू बी इन द कस्टडी ऑफ होम टू बी डीम्ड टू बी इन द कस्टडी ऑफ होम कंपनी लिक्विडेटर और प्रोविजनल लिक्विडेटर ऑन द डेट ऑफ फाइंडिंग अब सारी चीजें डीम्ड हो जाएगी एंड सर एंड सर नहीं सॉरी इट विल बी डीम्ड टू बी इन द कस्टडी ऑफ द ट्राइब्यूनल लेकिन उसका पोजीशन कौन ले लेगा सर कंपनी लिक्विडेटर और सर अगर ट्राइब्यूनल को लगता है कि कोई कॉन्ट्रीब्यूटरी है कोई बैंकर है ट्रस्टी रिसीवर रिसीवर एजेंट ऑफिसर या अदर एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी है जिसके पास कंपनी के असट्स पड़े हुए हैं प्रॉपर्टीज पड़े हुए हैं तो वो ऑर्डर करेगा कि वो कंपनी को दे दो कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है सर जाने दो सेक्शन टू कंपनी सर अगर लिक्विडेशन हो रहा है तो कंपनी को बाइंडिंग रहा है तो सारे लोगों को कोऑपरेट करना पड़ेगा सुपर सुपर इंपॉर्टेंट

द रिटेनिंग द राइट्स ऑफ सच कॉन्ट्रीब्यूटरी जब तक आप राइट right रिटेन करते हो तब तक आपका कोई वाइल्स रिटेनिंग द राइट ऑफ सच कॉन्ट्रीब्यूट्री अब सर आपका राइट्स रहेगा लेकिन आपका लाइबिलिटी नहीं रहेगा ये हो गया सर कॉन्ट्रीब्यूटरी का डेफिनेशन मतलब कॉन्ट्रीब्यूटरी में आप यू इमेजिन कर लो एक तो जो अनपेड शेयर होल्ड करता है फॉर एग्जाम्पल यू इमेजिन कर लो जो अनपेड शेयर होल्ड करता है मतलब दस रुपये का अनपेड नहीं अनकॉल्ड वैल्यू दस रुपये का शेयर था अभी तक पांच रुपये मंगाया पांच रुपये कंपनी ने अभी तक मंगवाया नहीं है तो वो कॉन्ट्रीब्यूटरी हो गया भले वो आज शेयर होल्ड करता है या प्रायर मेंबर था पहले मेंबर था अब सर सुनो कॉन्ट्रीब्यूटरी अब क्या होगा जैसे ही आपका ट्राइब्यूनल बाइंडिंग आपका ऑर्डर पास कर देगा ना उसका सबसे पहला काम क्या है

इन सेटलिंग द लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरीज डिस्टिंग्विड कॉन्ट्रीब्यूटरीज इन ओन राइट एंड कॉन्ट्रीब्यून एज रिप्रेजेंटेड बाई अदर्स छोड़ दो इम्पॉर्टेंट है ये सर अगर आप एक लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरीज सेटल कर रहे हो ना कि भैया कौन कौन कॉन्ट्रीब्यूट करेगा तो उसमें कोई भी पर्सन का नाम आ जाएगा जो आपका मेंबर है या जो आपका मेंबर था इट विल इंक्लूड एनी पर्सन हु इज और हैज बीन अ मेंबर एड इज लाइबल टू कॉन्ट्रीब्यूट द एसेट ऑफ द कंपनी फॉर सर आप क्यों कॉन्ट्रीब्यूट करोगे एसेट ऑफ द कंपनी के लिए ताकि मेरे से लेकर दूसरे मेंबर को दे दे हाँ सर ऐसा भी हो सकता है पहला या तो पेमेंट ऑफ डेट्स और लाइबिलिटीज एंड कॉस्ट ऑफ बाइंडिंग अप या तो वाइंडिंग अप कॉस्ट का या फिर कंपनी डेट्स और लाइबिलिटी के पेमेंट के, के लिए या फिर सर आपका फॉर एडजस्टमेंट ऑफ राइट्स ऑफ अमंग्स कॉन्ट्रीब्यूटरीब्यूटरीज का आपस में राइट्स एडजस्ट करने के लिए भी आपसे पैसे मंगवाया जा सकता है और सर वो क्या बोल रहे हैं अगर लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरी आप मेंटेन कर रहे हो ना तो उसमें हर किसी मेंबर का नाम आएगा जो अभी मेंबर है या था जो लाइबल है क्या चीज के लिए पेमेंट करने के लिए इन द केस ऑफ वाइंडिंग अप फॉर वॉट फॉर पेमेंट ऑफ डेट और लाइबिलिटी और फॉर एडजस्टमेंट ऑफ द राइट और ऑफ अमंग्स लेकिन सर कुछ चीजें हैं मतलब हर कॉन्ट्रीब्यूटर लाइबल नहीं होता है कुछ एक्सेप्शन है पहला अगर आप मेंबर जो थे ना वो एक साल पहले मेंबर थे मतलब आप पिछले एक साल में मेंबर ही नहीं थे कंपनी के तो क्या कॉन्ट्रीब्यूटर भाई दूसरा अगर आपका जो डेट की रीपेमेंट की बात हो रही है ना वो आपने मेंबरशिप खत्म होने के बाद ली थी मतलब सर आज मैं रिलायंस का शेयर होल्डर हूं दो महीने मैंने मैं रिलायंस के शेयर होल्डर

पेड अमाउंट तक ही मंगवा सकते हो और अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है ना तो जितना उन्होंने गारंटी दिया था सिर्फ उतना ही मंगवा सकते हो उससे ज्यादा नहीं मंगवा सकते यहां पे ये लिखा हुआ है सर यही चीज है यही इंपॉर्टेंट है एक साल का टाइम लिमिट और अगर जो डेट या लायबिलिटी है दैट वाज कॉन्ट्रैक्टेड आफ्टर यू सीज टू बी ए मेंबर यही इंपॉर्टेंट है सर 285 बहुत इंपोर्टेंट है 286 टू एटी सिक्स से लेकर बहुत कम इंपॉर्टेंट है सर ऑब्लिकेशन ऑफ मतलब एक सेकंड जो पार्ट टू में बनाऊंगा वीडियो में वो बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन इस वीडियो में शायद ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फटाफट सुन लो ऑब्लीकेशन ऑफ डायरेक्टर्स और मैनेजर्स सर जो भी कंपनी के डायरेक्टर्स और मैनेजर्स हैं उनका ये होता है कि भैया उनकी लाइबिलिटी जनरली अनलिमिटेड होती है उनको अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है लेकिन अगर उनका एक साल पहले ऑफिस खत्म हो गया था या फिर जो डेट या लाइबिलिटी है वो बाद में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उनके ऑफिस खत्म होने के बाद तो वो लाइबिल नहीं होंगे सर एक टू में एडवाइजरी कमेटी बनता है एडवाइजरी कमेटी क्या होता है दोस्त एडवाइजरी कमेटी वो होता है जिसका दो काम होता है

टू नाइनटी नाइन पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ कंपनी लिक्विडेटर में आपको नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि अगर आप इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड पढ़ रहे हो जिसमें ज्यादा टाइम देने वाले हो उसमें मैंने आपको याद करवाया इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का या आई का पावर क्या होता है यहां पे वो सेम ही पावर है सर बिजनेस कंडक्ट करना प्रॉपर्टीज अपने कंट्रोल में लेना कंपनी को एज अ गोइंग कंसर्न कंडक्ट करना कोई भी पैसे रेज करना सूट्स और प्रोसिक्यूशन देखना क्लेम सेटल करना इंस्पेक्ट करना रैंक प्रूव करना प्रोफेशनल असिस्टेंस लेना अगर उसको लेना है तो एंड ऑल सच एक्शन एज इज नेसेसरी फॉर द पर्पज ऑफ दाइंडिंग अपू नाइनटीटी वन प्रोफेशनल सर मैं भगा नहीं रहा हूं वो इंपॉर्टेंट

वो दो लोगों की बात सुनेगा एक तो उसके वाइंडिंग अप कमेटी का जो रेजोल्यूशन जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स और कंट्रीब्यूटरीज है दूसरा अपने एडवाइजरी कमेटी का लेकिन सर इन दोनों की बातों में अगर कॉन्फ्लिक्ट आया ना तो प्रिवेल कौन करेगा वाइंडिंग अप कमेटी मतलब सर रेजोल्यूशन ऑफ कंपनी और क्रेडिटर्स और कंट्रीब्यूटरीज क्योंकि सर एडवाइजरी कमेटी तो यूं ही बना है अब सर सुनो कभी कभी कंपनी लिक्विडेटर को ना ओपिनियन चाहिए होता है तो वो चाहे तो क्रेडिटर्स और कॉन्ट्रीब्यूटरीज uh, का कभी भी मीटिंग बुला सकता है लेकिन सर अगर खुद नहीं बुलाना चाहता लेकिन दस परसेंट से ज्यादा वैल्यू जो होल्ड करते क्रेडिटर्स या कॉन्ट्रीब्यूटरीज उन्होंने ट्राइबिन उन्होंने इसको एप्लीकेशन दिया किसको कंपनी लिक्विडेटर को कि भाई तो एक मीटिंग बुला तो उसको मीटिंग बुलाना पड़ेगा तो सर समनिंग मीटिंग्स ऑफ क्रेडिटर्स और कॉन्ट्रीब्यूटरीज सुओ मोटो मतलब खुद भी बुला सकता है जब उसकी इच्छा है या फिर अगर दस वन टेंथ ऑफ द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स या कॉन्ट्रीब्यूटरी से ज्यादा ने अगर राइटिंग में रिक्वेस्ट किया तो उसको ाना पड़ेगा अब सर सुनो अगर किसी कंपनी लिक्विडेटर की किसी हरकत से अगर कोई कोई अप, कोई अगर कोई 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 वाइंडिंग अप जो है वो अग्रीवड हो जाता है तो वो ट्राइब्यूनल को एप्लीकेशन दे सकता है ट्राइब्यूनल ऑर्डर पास करेगा टू में बुक्स अकाउंट बुक्स मेंटेन करना पड़ेगा सर कितना रिसीव हुआ है कितना पेमेंट हुआ है और उस बुक का ऑडिट होगा और ऑडिट होने के बाद वो फाइल हो जाएगा ट्राइब्यूनल और आरओसी के पास सर 295 पेमेंट ऑफ डेट बाय कॉन्ट्रीब्यूट्री एंड सेट ऑफ सर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बहुत ज्यादा लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है सुनो कभी कभी क्या होता है कॉन्ट्रीब्यूटरी होता है एक मेंबर होता है उससे पैसे लेने होते हैं कंपनी को लेकिन ऑन द अदर हैंड उसी कंपनी को उसी कॉन्ट्रीब्यूटरी को एक दूसरे तरफ से पैसे देने भी होते हैं कि भैया तू चार्ट अकाउंटेंट अकाउंटेंट है तू मेरा कॉन्ट्रीब्यूट्री है तो तू, तू, तू पैसे दे लेकिन तूने मेरे को अकाउंटिंग सर्विस भी प्रोवाइड की तो तू मेरे से पैसे लेने भी है तो क्या वो सेट ऑफ हो सकता है लॉ कहता है, है देख भैया अगर वो कॉन्ट्रीब्यूटरी की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है ना तो तू सेट ऑफ कर दे लेकिन अगर लाइबिलिटी है लिमिटेड है ना तो फिर तू देख सारे क्रेडिटर्स का या डेट डेट का पेमेंट हो गया है कि नहीं अगर हो गया है तो तू सेट ऑफ कर दे वरना तू सेट ऑफ नहीं कर सकता मतलब सर कुल मिला के सेट ऑफ करने नहीं दे रहे हैं अगर तेरी लायबिलिटी अनलिमिटेड है मतलब भैया सेट ऑफ करने के बाद भी तेरे को पैसे तो देने पड़ेंगे तो तू सेट ऑफ कर दे लेकिन अगर लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं है लिमिटेड है तो तू देख ले सारे क्रेडिटर्स का और डेट का पेमेंट हो गया है कि नहीं अगर हो गया तो तू सेट ऑफ कर ले ठीक है ये हो गया इन केस ऑफ अ अनलिमिटेड कंपनी और लिमिटेड कंपनी सर पावर टू नाइनटी सिक्स पावर टू मेक ऑफ ट्राइब्यूनल टू मेक कॉल्स सर ट्राइब्यूनल जितने भी अनपेड कॉल्स है ना उनको बोलेगा भैया पैसे भर दो और उनको बोलेगा उनको कॉल करेगा और उनको ऑर्डर भी करेगा पैसे भर दो टू नाइनटी छोड़ दो सर ठीक है द एडजस्ट द राइट ऑफ द एंड डिस्ट्रीब्यूट एनी इन प्लस द पर्सन एन टाइटल सर अगर एक क्लास शेयर था एक जनरे ने दस रुपए पर पांच रुपए पे किया था दूसरे जनरने दस रुपए पे चार रुपए पे किया था तो वो चार रुपए वाले को बोलेगा भाई पॉइंट फाइव रुपीज दे मैं लेकर के वो पांच रुपए वाले को दे दूंगा ताकि तुम दोनों का नुकसान फोर पॉइंट फाइव हो ऐसा नहीं कि उसका पांच रुपए का तेरा चार रुपए का नुकसान हो रहा है इसको कहते हैं एडजस्टमेंट ऑफ राइट टू नाइन नाइन पावर ऑफ अ पर्सन सस्पेक्टेड टू हैव प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी सर अगर ट्राइब्यूनल को लगता है भैया किसी कोई एक पर्सन है जिसके पास इस कंपनी का कोई प्रॉपर्टी पड़ा हुआ है या बुक्स और पेपर्स पड़ा हुआ है तो वो उसको बोलेगा भाई तू जरा आकर उस प्रॉपर्टी को या फिर बुक्स और पेपर को मेरे पास दे करके चले जा बस इंपॉर्टेंट नहीं है सर सुनो थ्री हंड्रेड भी इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्त थ्री हंड्रेड वन बहुत इंपॉर्टेंट है मैं पढ़ा देता हूँ अगर 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 ट्राइब्यूनल को लग रहा है कि भैया जिस मेंबर के पास या तो कॉन्ट्रीब्यूटरी या फिर कोई ऐसा मेंबर है जिसके पास कंपनी का बुक्स और पेपर्स है और वो लोग ना इंडिया छोड़ के भागने की कोशिश कर रहे हैं एप्सकॉन्ड करने की कोशिश कर रहे हैं गायब होने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो प्रॉपर्टी जो है उसके उसका पता ना चल पाए या फिर उनको अपना एग्जामिनेशन ना करवाना पड़े तो सर ट्राइब्यूनल ऑर्डर पास करेगा कि उसको डिटेन करो मतलब उसको गिरफ्तार करो मतलब गिरफ्तार नहीं सर डिटेन और अरेस्ट तो अलग अलग वर्ड होता है लेकिन वो कहेगा टेन करो एंड हिज बुक्स एंड पेपर्स एंड मूवेबल प्रॉपर्टी टू बी एंड सेफली द ट्रिब्यूनल एज मे बी कप्ट्रीब्यूनल सर क्या लिखा है एक बार पढ़ लो क्योंकि एग्जाम में आता है अरेस्ट ऑफ अ अर्सन एफकॉ इंडिया एट एनी टाइम इधर बिफोर और आफ्टर पासिंग ऑर्डर ऑफ द वाइंडिंग वाइडिंग सर अगर वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास भी नहीं हुआ है और अगर दैट अ कॉन्ट्रीब्यूटी कौन सर एक कॉन्ट्रीब्यूट्री या फिर एक पर्सन जिसके पास प्रॉपर्टी बुक्स ऑफ पेपर्स और ऑफ अ कंपनी इज इन सर कॉन्ट्रीब्यूटरी में करेंट मेंबर और पास्ट मेंबर भी आता है वो क्या कर रहा है इज अबाउट टू लीव इंडिया और अदरवाइज एप्सोंडमूव और कंसील एनी ऑफ प्रॉपर्टी फॉर इवेडिंग पेमेंट ऑफ द कॉल सर वो अपने सारी प्रॉपर्टीज दे, बेच देना चाहता है ताकि उसको कॉल्स का पेमेंट ना करना पड़े तो ट्राइब्यूनल ऑर्डर करेगा कि उसको डिटेन करो और उसके पास जो बुक्स और पेपर्स है या मूवेबल प्रॉपर्टी है ना उसको सीज करो और ट्राइब्यूनल रखने बोलेगा यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है सर सर थ्री हंड्रेड भी इंपॉर्टेंट है अगर आपका एक बार वाइंडिंग अप हो जाता है ना और पूरे असेट्स बेच के पूरे लाइबिलिटी पे ऑफ कर देते हो ना तो कंपनी लिक्विडेड जाकर ट्राइब्यूनल को एप्लीकेशन देगा कि भाई वाइंडिंग अप हो गया प्लीज मुझे डिजोल्व कर दे अगर ट्राइब्यूनल सेटिस्फाई हो जाता है कि इट इज जस्ट एंड रीजनेबल दैट द कंपनी शुड बी डिजोल्व इट विल ऑर्डर रिजोल्यूशन ऑफ द कंपनी एंड द कंपनी स्टैंड फ्रम द डेट ऑफ दर्डर सर जैसे ही ऑर्डर पास होगा उसके थर्टी डेज के अंदर अंदर ट्राइब्यूनल वो ऑर्डर जो है आरोपी को भी भेज देगा और कंपनी लिक्विडेटर को भी भेज देगा कंपनी लिक्विडेटर तेरी मेहनत सफल हुई आरोपी तो इसको रजिस्टर कर ले ये हो गया सर कंपनी का डिसोल्यूशन ये हो गया सर पूरा पार्ट वन जहां पे हमने पढ़ा बेसिक प्रोविजन कैसे वाइंडिंग अप होता है ट्राइब्यूनल के पास कैसे जाकर के एप्लीकेशन होता है सर बहुत आसान था उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा प्लीज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा है इसको सुनना बहुत जरूरी था पार्ट टू इससे कसम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो नहीं देख सकते अगर आपने यहां तक अभी देखा है मैं पार्ट टू पार्ट टू जो मेरा वीडियो का होगा उसमें पार्ट थ्री कवर करूंगा मैं प्रोविजन एप्लीकेबल फॉर दी टू ऑल टाइप्स ऑफ वाइंडिंग अप बेहद इंपॉर्टेंट है उसके बाद आपका वाइंडिंग अप में आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है ठीक है सर नोट्स डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे पूरा वीडियो अगर आपको चाहिए वो डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा सी यू इन द दी नेक्स्ट वीडियो थैंक यू क्लिक ऑन द लाइक बटन इफ यू लाइक इट ओके थैंक्स सर लॉट गाइज बाय